last topic for today. Goods in transit and goods in transshipment. Triple star math in Muslim. Ek MCQ. Aayega hi aayega. From the goods in transit ya goods in transshipment. Triple star math. Section 53 or section 54. दोनों पहले में से सुन लेंगे तो फिर पढ़ने वाली से फॉर्मेलिटी रह जाएगी. मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट आइडिया समझा दूंगा. एक शिप आया जी हमारे पास और शिप के ऊपर ना कंटेनर्स की प्रॉपर फ्लोर्स होती हैं. कंटेनर के ऊपर कंटेनर के ऊपर कंटेनर इस तरह से पड़े हैं एंड दे हैव अरेंजेड इन द प्रॉपर सीक्वेंस. ठीक है कि जो देश सबसे पहले आएगा उसको सबसे ऊपर रखते हैं, फिर उसके बाद जो देश आएगा उसको सेकंड फ्लोर पे रखते हैं, फिर उसके बाद अलग रखते हैं और इस तरह से उतारते हैं. लेट अस से वो इंडिया के अंदर आया और वो ऊपर वाले दो कंटेनर्स की रो उतार कर इंडिया के अंदर रख. हमने कहा सर फ्लोर नंबर 3 और 4, 1 और 2 तो आपने उतार दिए. ठीक है जो ये 3 और 4 है ये कहते हैं सर ये आपके नहीं, ये तो मैंने श्रीलंका लेकर. तुमने कहा सर ये जो 3 और 4 है ना इनको बोलते हैं गुड्स इन ट्रांसिट. गुड्स इन ट्रांसिट जो कि इंडिया में एंटर तो हुए, इंपोर्ट ड्यूटी लगाई भी हुई क्योंकि जैसी गुड्स आर ब्रॉट इन टू इंडिया इंपोर्ट ड्यूटी हमने लगा दी. इट्स इंपोर्ट बट कलेक्ट नहीं क्योंकि वो बैरियर नहीं क्रॉस. बैरियर क्यों नहीं क्रॉस करेंगे? क्योंकि वो उसी शिप में बैठ इंडिया से बाहर वापस. 3 और 4 को इंडिया से बाहर लेकर जाने के लिए क्या कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है? उसने पहले ही बोला था आईजीएम के अंदर फाइल किया. आईजीएम में उसने सब कुछ बताया था. इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट में जब उसे अंदर आने की परमिशन मांग रहा था तब उसने सब कुछ बताया था कि सर मैं 4 कंटेनर लेकर आ रहा, पहले 2 कंटेनर इंडिया में उतारूंगा, तीसरे और चौथे कंटेनर मैं श्रीलंका लेकर जाऊंगा. ठीक है और जब उसने पहले 2 उतारे, अब जब वो 3rd एंड 4th कंटेनर को लेकर श्रीलंका वापस जा रहा है तो इन दैट केस उससे कोई फर्दर डॉक्यूमेंट्स फाइल करने की जरूरत नहीं. यहाँ पर ये बात क्लियर. ठीक है और जो मैंने पहली लाइन बोली थी कि 3 एंड 4 पे कस्टम ड्यूटी लगाए तो हुई बट कलेक्ट नहीं हुई. ठीक है लगाए तो तभी हुई थी जब वो इंडिया के अंदर एंटर कर इम्पोर्ट हो गया था उनका, बट क्योंकि उन्होंने बैरियर क्रॉस नहीं किया. पॉइंट ऑफ कलेक्शन क्या है? बैरियर. अगर बैरियर नहीं ना क्रॉस होगा इन दैट केस उनके ऊपर कस्टम ड्यूटी नहीं पे. लोडिंग अनलोडिंग भी नहीं होगी बिकॉज द कन्वेंस इज नॉट चेंज. वो उसी शिप के ऊपर बैठे और रवाना हो जाए. ये तो सबसे इजीएस्ट. क्लियर. और गुड्स इन ट्रांजिट की फैसिलिटी सभी पोर्ट्स पे होगी ऑब्वियसली. ठीक है ऐसा थोड़ी ना कि सर अगर आप हमारे पोर्ट में आए तो अब हम सारी ही रखेंगे. आप अगले कहते हैं जब 2 है ही नहीं आपके, ठीक है फिर यहाँ पे क्यों रख के जाऊंगा मैं? तो फिर लास्ट केस तो ये ऑप्शन सबको दी जाती है कि आप जितने इंडिया के अपने रखवाओ और बाकी लेकर रवाना. अब हम आते हैं जी ध्यान से सुनेंगे गुड्स इन ट्रांसशिपमेंट. दुबई इंडिया से पीछे है. इस साइड तो नहीं है दुबई. दिस इज द ईस्ट. दुबई की किसी शिपिंग कंपनी को हमने कहा कि सर हमें कोई गुड्स चाहिए, व्हाट इज द फ्रेट? ठीक है कोटेशन ले रही है. वो कहता है कि सर आप कहां पर रहते हो? तो हमने कहा कि सर वाइजैक विशाखापट्टनम पुराना. ठीक है हम वाइजैक के अंदर है और यहाँ पे कस्टम पोर्ट है और आपने वहां पे शिप को कंटेनर को देखा. तो उसने कहा कि सर एस्टिमेट इज 2 लाख. ठीक है आप ऐसे दराम चलते बट मैं रुपीज में कन्वर्ट करके उसने कहा कि जी 2 लाख रुपए आपको लगेंगे एक घंटे. मैं कहा टू एक्सपेंसिव. ठीक है जी इतने के तो गुड्स नहीं या फिर इतने तो मेरे को बचने नहीं जितने आपने फ्रेट में लगा. मैं कहा सर कुछ कम. कह रहे सर कम नहीं होगा, बहुत ज्यादा. प्रॉपर घूम के मेरे को यहाँ पर आकर देखना पड़ेगा और फिर मेरे को वापस भी जाना.
मैंने कहा मुंबई पोर्ट पे छोड़ दो, दैट आई कैन डू, देन इट विल सेव माय, मैं मुंबई पोर्ट पे छोड़ देता कोटेशन, उसके बाद 1,10,000, ठीक है, क्योंकि वहां पूरा घूम करने को आना था, 10 दिन एक्स्ट्रा लग जा रहे थे आने जाने के अंदर, सो वाइजैग नहीं, मैं मुंबई पोर्ट पे कर, मैं कहा मुंबई पोर्ट से वाइजैग में घुमा लूंगा वो तो सस्ते पड़े, ठीक है, सो आई कैलकुलेटेड, मैंने कहा सर हम मुंबई पोर्ट पे लेकर चलते, वो आया जी, उसने मुंबई पोर्ट के ऊपर मेरे कंटेनर्स उतारे एंड ही वेंट, मैंने मुंबई पोर्ट पे वैसे ही कॉल, हमने को वैसे गुड्स वहां पे क्लियर करवाने, मैंने कहा सर गुड्स इन ट्रांसशिपमेंट की प्रोविजन है, मतलब आप ये गुड्स एज इट इज जैसे मर्जी वाइजैग के कस्टम पोर्ट पे डिलीवर कर, डिपार्टमेंट को ही कह रहा हूं सर इफ यू कैन, और मैं वाइजैग पे बिल ऑफ एंट्री फाइल करके गुड्स को डिस्पैच क्लियर कर, इसीलिए जब बिल ऑफ एंट्री सेक्शन 46 पढ़ा रहा था तो उन्होंने कहा कि जी एक्सेप्ट इन द केस ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट की बिल ऑफ एंट्री में क्यों करूंगा, वो तो श्रीलंका चले, गुड्स इन ट्रांसशिपमेंट की भी मुंबई पोर्ट पे मैं बिल ऑफ एंट्री नहीं करना, मैं कहा सर मैं गुड्स को वाइजैग वाले कस्टम पोर्ट से क्लियर करवा दूंगा इफ यू कैन, आपका जो खर्चा है वो मैं रेडी पे कर दूंगा, उन्होंने कहा कि जी ठीक है ऐसी फैसिलिटी मुंबई पोर्ट पे है, ठीक है, और यहाँ पर हमने ट्रेन मंगवानी है मालगाड़ी, उसके ऊपर सारे आपके 200 कंटेनर रहते हैं और वो ट्रेन वाइजैग में अनलोड करके चलती है, और आप वाइजैग पे बिल ऑफ एंट्री फाइल करना, और वहां पर जो भी आपने वेयर हाउस होम कंजम्पशन जो भी ड्यूटी पे करवाना और उसको ले जाना, और हमने कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी लगाए होंगे इस ट्रांसपोर्टेशन पर कंटेनर, जैसे 5,000 रुपए पर कंटेनर, 200 कंटेनर है 10,000, ये बात याद रख, ठीक है बात, ठीक है, मैंने कहा सर ठीक है वहां पे मेरे को 90,000 पर कंटेनर बच गया, अगर मेरे को 5,000 रुपए पर कंटेनर देने भी पड़ गए और ये 5,000 रुपए वैल्यूएशन में इंक्लूड नहीं होते, क्योंकि वहां पे टॉपिक आया था ट्रांसशिपमेंट के चार्जेस, 10-2 ने क्या कहा था कि मेरे को पोर्ट तक के चार्जेस लेने हैं, ट्रांसशिपमेंट के चार्जेस जो इंडिया के अंदर के ट्रांसपोर्टेशन है उसके चार्जेस हमें ऐड नहीं करते, ठीक है, इसको बोलते हैं कि गुड्स इन ट्रांसशिपमेंट, जो कि आए तो मुंबई पोर्ट पे, लेकिन मुंबई पोर्ट पे उनका बिल ऑफ एंट्री नहीं फाइल करवाया जा रहा, वो किसी और पोर्ट पे बुलाओ और वहां पे बिल ऑफ एंट्री फाइल करके उनको क्लियर करवाया जा रहा, गुड्स इन ट्रांसशिपमेंट की फैसिलिटी हर पोर्ट पे नहीं, ठीक है, माइट बी कल वो किसी और गोवा पोर्ट पे आए और वहां पे मैंने कहा कि सर वाइजैग भिजवा दो, कहते सर सॉरी यहीं से क्लियर करवाने, फिर उस पर्सन को अब गोवा पोर्ट पे आना पड़ेगा और बिल ऑफ एंट्री फाइल करके ड्यूटी पे करके खुद अपने आप ट्रेन से ट्रक से जैसे भी 200 कंटेनर लेकर जाने हैं, फिर उसे खुद मैनेज करके वाइजैग के ऊपर लेकर, ठीक है, गुड्स इन ट्रांजिट की फैसिलिटी हर पोर्ट पे अवेलेबल है, गुड्स इन ट्रांसशिपमेंट की फैसिलिटी सभी पोर्ट पे अवेलेबल नहीं है, गुड्स इन ट्रांजिट के लिए कोई फर्दर डॉक्यूमेंटेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, बट गुड्स इन ट्रांसशिपमेंट के लिए फर्दर डॉक्यूमेंटेशन, गुड्स इन ट्रांजिट के ऊपर ड्यूटी शैल नेवर बी पेड, गुड्स इन ट्रांसशिपमेंट के ऊपर ड्यूटी शैल बी पेड बट डिले कर, ठीक है, थोड़ा सा रुक के पहले पहुंच जाएं फिर वो उधर उसको देखें, फाइन, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, गुड्स इन ट्रांजिट क्या है, जो इंडिया में आए थे बट उसी शिप में बैठकर एज इट इज वापस बाहर चले गए क्योंकि वो इंडिया को बिलोंग नहीं करते, गुड्स इन ट्रांसशिपमेंट क्या है, जो उस पोर्ट पे तो आए बट मुंबई पोर्ट पे बिना ड्यूटी पे की किसी और पोर्ट पे चले गए और वहां पे बिलोंग एंट्री फाइल करके फिर उनको गुड्स क्लियर कर लाए, उसके अंदर ट्रांसशिपमेंट के लिए टेक लॉन्ग करते हैं, पहले वो कहता है ट्रांजिट के लिए सेक्शन 53 है और ट्रांसशिपमेंट के लिए सेक्शन 54 ऑफ ऑब्वियसली कस्टम्स एक्ट 1996 कन्वेंस, ट्रांजिट में वो कहता है कि जी दे अलाउड टू रिमेन ऑन द सेम कन्वेंस, वो सेम कन्वेंस के ऊपर ही अलाउड, ट्रांसशिपमेंट में वो कहता है कि जी दे आर अनलोडेड फ्रॉम वन कन्वेंस एंड लोडेड ऑन अनदर कन्वेंस, वो एक शिप से उतर जाते हैं फिर ट्रेन पे प्लेन में ट्रक में किसी और में बैठकर फिर वो गुड्स दूसरी जगह,
डॉक्यूमेंटेशन, वो कहते हैं ट्रांजिट के अंदर द रिकॉर्ड एक्चुअली मेड इन द मैनिफेस्ट, बस एक ही डॉक्यूमेंट था आईजीएन, कहते हैं वही कंटिन्यू रहता है, पुट इट गुड शोन इन द मैनिफेस्ट, मतलब इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट आईजीएन एज द सेम बॉटम कार्गो, उसी में मैंने दिखा दिया था बॉटम कार्गो। बॉटम कार्गो आप समझते हैं जैसे 1, 2, 3, 4 वाज माय गुड्स इन ट्रांजिट, तो मैंने उसी में बता दिया था कि सर जो 3 और 4 है वो गुड्स इन ट्रांजिट बॉटम कार्गो, मतलब नीचे वाली कार्गो। There is continuity in the records, और वो कहते हैं कि उसके अंदर कोई चांस है ही नहीं कि कंट्रोल से बाहर ये गुड्स चले जाए, लेकिन ट्रांसशिपमेंट में मेरे को टेंशन होती है कि ट्रेन में वो गुड्स जा रहे हैं, ये 3 दिन लगेंगे और रस्ते में इधर उधर हो गए तो फिर वो ड्यूटी पे शायद मुश्किल हो सकता है। Are we getting it? उस पे कंट्रोल लूज हो सकता है ट्रांसशिपमेंट के केस में, लेकिन ट्रांजिट में तो वो गुड्स एज इट इज सामने पड़े रहते हैं, हिलते भी नहीं है, लोड अनलोड भी नहीं होते, तो कहता है उसमें ऐसा नहीं हमें फील होता कि इसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है गुड्स इन ट्रांजिट, लेकिन ट्रांसशिपमेंट में हमें ऐसा लगता है कि इन द ट्रांसशिपमेंट ऑफ द गुड्स कॉन्टिन्यूटी इन द रिकॉर्ड इज नॉट मेंटेन एज द गुड्स आर ट्रांसफर टू अनदर कंट्री। सुपरविजन, कहता है ट्रांजिट के लिए कोई सुपरविजन की जरूरत नहीं है, लेकिन ट्रांसशिपमेंट में पीओ साथ बैठ के आता है जी ट्रेन के नजर रखे और प्रॉपर चार्जिंग। एडिशनल फॉर्मेलिटीज, कहते हैं ट्रांजिट के लिए नो एडिशनल फॉर्मेलिटीज, लेकिन ट्रांसशिपमेंट के लिए वो कहता है कि स्पेसिफिक कंडीशंस में भी इंपोज्ड इफ द गुड्स आर डिलीवरेबल एट द इंडियन और पोर्ट के अंदर, वो कहता है ट्रांजिट की फैसिलिटी जो है इट इज अलाउड ऑन एवरी पोर्ट, लेकिन ट्रांसशिपमेंट इज अलाउड ओनली एट द स्पेसिफिक पोर्ट्स और द स्पेसिफिक, आपको फर्दर डॉक्यूमेंट्स फाइल करने पड़ेंगे, लेकिन गुड्स इन ट्रांजिट में उसने क्या था कि बस एक ही डॉक्यूमेंट होता है आईजी, कंट्रोल उसने बस इतनी सी बात कही कि गुड्स इन ट्रांजिट में पीओ नेवर फील्स लाइक दैट आई एम लूजिंग द कंट्रोल, लेकिन ट्रांसशिपमेंट में ही हैव टू बी कॉन्शियस ही मे लूज द कंट्रोल, मतलब वो गुड्स उसकी सुपरविजन से इधर उधर खो सकते हैं, उसको ध्यान रखना पड़ेगा, पर ट्रांजिट में तो बस उसको ये देखना कि वो उतरे ना, बस वो शिप पे पड़े, शिप पे पड़े। Fine.